हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ड्रैगन पेंटिंग, जो कि हम इस पिक्चर की हेल्प से बनाएंगे। और ये वीडियो होने वाली है फुल ऑन बिगनर्स के ऊपर, तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। अगर आप बिगनर हो, आप सीखना चाहते हो कि सारे कलर को एक साथ सही तरीके से कैसे अप्लाई करें और उसका जो एक नेचुरल कलर लुक आता है वो कैसे बनाएं, तो इसमें हम ये कलर यूज करेंगे और फैब्रिक कैस्टल का भी कलर यूज करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें डोम्स और फैब्रिक कैस्टल दोनों कलर मैंने यूज करा है परफेक्ट पिक्चर में लाइटिंग देने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आईज, जो ड्रैगन की आईज है वो बनाएंगे। तो हल्का हल्का पहले इरेजर से उसे, जो हमने पेंसिल से मार्क करा उसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं। और अब आप देख सकते हो पेंसिल से हमने उसकी आईज क्रिएट करी है। एंड आप देख सकते हो मैंने नीचे का और ऊपर का हिस्सा ज़्यादा डार्क रखा है और सेंटर का डार्क चॉकलेट ही रखा है। और उसका नोक भी आप देख सकते हो कितना शार्प है। तो शार्प नोक ही रखना है गाइस आपको, जो भी आपकी पेंसिल की नोक है, तभी इस पूरे पिक्चर में गाइस पेंसिल की नोक शार्प रहेगी तो आपकी डिटेलिंग बहुत ही क्लियर आएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में आप लाइट लेयर कीजिए, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले लाइट से डार्कर जाइए, लाइट कीजिए। एक बार आपको आपके मनपसंद का रेफरेंस मिल जा रहा है, पिक्चर वैसी आई है जैसी आपको पसंद है, तो कलर को और डार्क कर सकते हो पेंसिल के थ्रू। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ब्लैक यूज कर रही हूँ। मैंने पहले ही से चॉकलेट यूज करा, उसके ऊपर से मैंने ब्लैक यूज करा है ताकि वो सही तरीके से वो कलर आ पाए। और गाइज ब्लैक आप एंड में भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको जैसे होता है कि कुछ लोगों से ब्लैक डस्की हो जाता है, तो इससे बेहतर है कि आप ब्लैक एंड में ही यूज करिए। ठीक है, एंड फिर इस तरीके से हम कुछ इन कलर का मिक्सचर करके, मीन्स ग्रीन, स्काई ब्लू, पोपटी, इस कलर का मिक्स करके आईज बना रहे हैं और उसमें ब्लैक कलर से हल्का सा ब्लेंडिंग लुक देंगे, तो कुछ इस तरीके से लुक आएगा गाइज, जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसमें ब्लेंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कहाँ से कलर को कैसे ब्लेंड करना है। तो बहुत ही शार्प तरीके से जो मिक्स कलर है वहां पे बहुत लाइट प्रेशर यूज कीजिएगा पेंसिल का, और बहुत ही लाइटिंग हाथ से, कुछ डार्क करने की जरूरत नहीं है और एक दो बार में ही वो मिक्स हो जाता है। और ये कुछ इस तरीके से हमने ऊपर स्काई ब्लू कलर अप्लाई करा है। स्काई ब्लू कलर का बेस अभी हम बना रहे हैं, तो पहले हल्का हल्का स्काई ब्लू कलर अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपने पिक्चर देखी थी तो पिक्चर में काफी डार्क था, सबसे पहले वही मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम डार्क लाइट करेंगे, उसके बाद हम डार्क करेंगे जैसा हमें चाहिए पिक्चर में। तो हमने पहले स्काई ब्लू कर लिया, उसके बाद बॉर्डरिंग दे दी उसको, जहाँ पे स्काई ब्लू की जरूरत है वहां पे स्काई ब्लू से बॉर्डरिंग दी है, वरना हमने डार्क पर्पल का, लाइट पर्पल का यूज करा है स्काई ब्लू के एरिया में। इससे क्या होगा कि आपने जो छोटे छोटे स्पॉट्स बनाने हैं वो आपको क्लियर दिखेंगे और वो खिल के भी आएंगे उस पर, अगर आपको पेंटिंग कर रहे हो तो वो जो स्काई ब्लू है और वो मिक्स नहीं होगा। जैसे कि आप अभी देख सकते हो दोनों का कलर अभी अलग लग रहा है, जबकि मैंने सबसे पहले स्काई ब्लू कलर ही अप्लाई करा। और ये कुछ इस तरीके से आपको एंड में डार्क करना है, आपको जैसा कलर पसंद है। सो अभी फिलहाल के लिए हम इस तरीके से लाइट रखेंगे। ठीक है, लाइट करने के बाद एक बार आपकी पिक्चर आपके हिसाब से परफेक्ट बन जाए, उसके बाद आप कलर्स को और यूज करके उसे डार्क कर सकते हो सेम कलर को वहां पर यूज कर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी सीन बना लिया है और छोटे छोटे पर्पल, डार्क पर्पल कलर से अभी हम छोटे छोटे गोले बना रहे हैं जो ड्रैगन के फेस के ऊपर है। एंड अभी स्काई ब्लू कलर यूज कर रहे हैं। स्काई ब्लू कलर का भी आप देख सकते हो नोक कितना शार्प है, और यहाँ पे भी हमने छोटे छोटे गोले तैयार किए हैं। सो आप ये भी कर सकते हो कि छोटे छोटे स्पॉट्स आप पहले से क्रिएट कर लो, फिर उसके ऊपर पेंसिल चलाओ, क्योंकि इससे क्या होगा कि टाइम बचेगा आपका एंड आपको गोले की साइज में दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से हमने कलर्स बनाए हैं गाइस, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और अभी जाके मैं ब्लैक यूज कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे लगा था कि मैं तुरंत अगर ब्लैक यूज करती तो वो ब्लेंड करते समय मिक्स हो जाता। तो कुछ इस तरीके से आपको कलर को डार्क कर लेना है बाद में आपके रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप आईज के पास देख सकते हो अभी स्काई ब्लू था और अभी देखो मैंने इसको डार्क करा हुआ। सो कुछ इस तरीके से आपको आपकी पोर्ट्रेट को
आप एक बार पहले लाइट शेड दीजिए, लाइट शेड में पूरा बना लीजिए, उसके बाद फिर कलर उस पे ऐड कीजिए जैसा जैसा आपको डार्क चाहिए। अभी देख सकते हो मैंने अभी ब्लैक यूज करा है। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर एरिया पे हाईलाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं एंड भी। तो इससे क्या होगा कि आपकी पिक्चर और भी, जो आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं, और भी प्रेजेंटेबल लगेगी, देखने में बहुत अच्छी लगेगी। और जस्ट बिकॉज इसमें मल्टीपल कलर हैं तो वो काफी अट्रैक्ट करती है आईज को। सो गाइस, अभी हम आप देख सकते हो जेल पेन से मैं इसमें हाईलाइट कर रही हूँ आईज को। ये मैं मोस्टली मेरे पेंटिंग में हाईलाइट करने के लिए ये जेल पेन यूज करती हूँ। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, अगर आपको बाय करना होगा तो आप डायरेक्टली अमेजोन लिंक से बाय कर सकते हो इस पेन। या फिर आप गाइज ये भी कर सकते हो कि उस एरिया को आप कलर करो मत, तो इससे क्या होगा कि वो वाइट ही दिखेगा। सो फिर भी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो कुछ इस तरीके से आप हाईलाइट कर लीजिए। सो गाइस, सबसे पहले अभी हम अप्लाई करेंगे ग्रीन कलर। सो इसके लिए हमने पहले लाइट ग्रीन कलर अप्लाई करा है, जिसे हम साइड साइड्स में पहले अप्लाई कर लेंगे। बेसिकली अभी हमको इसमें साइड का बॉर्डर एकदम शार्प तरीके से देना है, ताकि कलर मिक्स करते समय वो मिक्स ना दिखे और जो मार्किंग है वो क्लियर दिखे। तो अभी हम ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हो, और बीच में हमने खाली छोड़ा हुआ है। खाली छोड़ने का रीजन है गाइस, तो थोड़ा सा शाइनी लुक आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो पूरे पिक्चर में बेसिकली हमने एक शाइन, एक लाइट, हर एक कलर का अपना एक लाइट जो दिख रहा है उस तरीके से इसमें क्रिएट करना है। अभी जो व्हाइट प्लेस हमने छोड़ा है उसमें हम येलो कलर अप्लाई करेंगे एंड में, जिससे कि ये कलर और भी खिल के आएगा। तो साइड साइड का हमने पहले ग्रीन कलर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद थोड़ा सा हम इस पे और डार्क कलर अप्लाई करेंगे, मीन्स डार्क ग्रीन, और हल्का सा बैकग्राउंड में व्हाइट, सॉरी ब्लैक। सो इस तरीके से अप्लाई करके हम थोड़ा सा डेप्थ देंगे। सो कुछ इस तरीके से आप हल्का हल्का डार्क कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले लाइट करा, अभी डार्क ग्रीन यूज कर रहे हैं। सो इस तरीके से आपको कलर को अप्लाई करना है, और इसमें हम डायरेक्टली डार्क ग्रीन अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और इसमें भी सेम बॉर्डर को बहुत ही ध्यान से कर लेंगे, बहुत ही शार्प तरीके से। पेंसिल की नोक शार्प होनी चाहिए। एंड फिर इस तरीके से हल्का हल्का साइड साइड के एरिया को कवर अप करते करते धीरे धीरे अंदर आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हो। अब हम इस पे यूज करेंगे लाइट ग्रीन कलर। सो इस तरीके से हम लाइट ग्रीन कलर यूज करके साइड साइड के एरिया को और भी, मीन्स कलर थोड़ा सा और खिल के दिखेगा, और फिर अंदर के साइड ग्रीन कलर को लाइट तरीके से अप्लाई कर ले रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हो, और बचे हुए एरिया को हम व्हाइट छोड़ेंगे बाद में येलो करने के लिए। सो अब हम यहाँ पे पोपटी कलर अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत ही एकदम हल्का हल्का लाइट लाइट शेड करेंगे, मीन्स साइड में डार्क ग्रीन फिर पोपटी इस तरीके से। और आप जैसे देख सकते हो इसमें ऑलरेडी येल्लो ही शाइन है, तो अभी भी हम येल्लो शाइन दे रहे हैं ताकि वो कलर को और भी खिल के वो लुक आए जो कि ऊपर हमने ड्राइंग में बनाया, जैसे हमने फेस में कलर को किस हिसाब से डार्क करा है और कलर एक लाइटिंग शो हो रहा है, तो इसलिए हमने इसमें ये सारे कलर यूज करे हैं। सो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे डार्क येल्लो कलर, जो कि आप मैंगो कलर भी बोल सकते हो। सो मैंगो कलर अप्लाई करेंगे। सो बेसिकली जैसे हम नॉर्मली कलर एरिया को, बड़े बैकग्राउंड को फिल करने के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। और फिर अप्लाई करने के बाद आपको डार्क कलर से, मीन्स ऑरेंज हो या फिर रेड हो, इन दो कलर या फिर चॉकलेट, इन तीनों कलर में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे छोटे छोटे स्पॉट्स बना लेने हैं, जैसे कि आप ड्रैगन के फेस में देख रहे हो इस तरीके से स्पॉट्स बना लेने हैं आपको। स्पॉट बहुत ही शार्प पेंसिल से बनाइएगा, और उसके जिस पेंसिल से बना रहे हो उस पेंसिल से ही उसके साइड साइड के बैकग्राउंड को कलर भी कर दो, जिससे कि बीच में वो येलो ही शाइन रहेगी और साइड में वो कलर रहेगा, जैसे कि मैंने इसमें ऑरेंज अप्लाई करा है
और मैंने इसमें दो टाइप के कलर अप्लाई करे, एक ये ऑरेंज और एक चॉकलेटी, ताकि वो क्लियर एक लुक शाइन वाला है। और यहाँ पे और थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हमने व्हाइट जेल पेन का यूज करा है, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी आप देख सकते हो जहां पे हमने गोला गोला करा था वहां पे कितना ही अलग लुक आ रहा है। इस तरीके से अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, अभी हमको इसको साइड में बॉर्डर बॉर्डर देना है। जब साइड में एक बॉर्डरिंग रहेगी, डार्क रहेगा, तभी जो है लाइट कलर है वो दिखेगा, जो बेसिकली आपने हाईलाइट करा हुआ है। तभी हम येल्लो को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और फिर इस तरीके से हम चॉकलेट ही अप्लाई करेंगे, और इसको भी पहले बॉर्डर में अप्लाई करेंगे ताकि कलर ब्लेंड ना हो। और इस तरीके से आप देख सकते हो हमने साइड साइड में किस तरीके से हाईलाइट कराया है, और जो भी छोटे छोटे स्पॉट्स हमने बनाए थे उसको कवर अप करा है। इस तरीके से आप साइड साइड में यूज कर सकते हो कलर को। मीन्स ये पूरी पेंटिंग बहुत ही पेशेंट का काम है गाइस। और अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, दैट मीन्स आप गाइस, अगर आपको सीखना है तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, दैट मीन्स आप सीख रहे हो गाइस। तो मेरा एक सजेशन है कि अगर आप कोई भी पेंटिंग की वीडियो यूट्यूब पे देखते हो तो तुरंत तुरंत ट्राई करो उसको करने का, मीन्स वीडियो देख के। इससे क्या होगा कि जो भी मिस्टेक होगी ना, आप तुरंत इम्प्रूव कर सकते हो, एंड तुरंत तुरंत उस चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हो, तो वो आपको सोल्यूशन भी दे देंगे, जिससे क्या होगा कि आप कहीं भी रुक रहे हो तो आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और पेंटिंग कैसे इम्प्रूव करने, डे बाय डे जितना आप करते हो उतना इम्प्रूव होते जाता है। तो इस तरीके से आप ये कलर को अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरी वीडियो, पूरी पोर्ट्रेट आपकी जो है इस तरीके से बना लेनी है गाइज। अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी पेंटिंग इम्प्रूव होगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।